हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत है। आज की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 के एग्जांपल्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अभी तक हमारी कराई गई सारी क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 बेस है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ईपी के फॉर्मूले पर। जैसे इससे पहले हमने एग्जांपल वाली क्लास करी थी एक्सरसाइज 5.3 की, वो भी बेस थी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ईपी के फॉर्मूले पर। तो ये भी एक्सरसाइज 5.3 भी बेस है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ईपी के फॉर्मूले पर। और वो क्या होता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाय 2a प्लस एन माइनस 1d। और अगर हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो वो बन जाता है कि Sn इक्वल टू n बाय 2a प्लस l। इसके चार पार्ट हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग APs, कि हमें ये AP की सीरीज दी हुई है और हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में a की क्या वैल्यू है, फर्स्ट टर्म में 2 और सेकंड टर्म है 7। तो d की क्या वैल्यू आई, 7 माइनस 2, डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब हमें सम फाइंड करना है 10 टर्म्स तक, यानी एन की क्या वैल्यू हुई 10। तो एस 10 क्या होगा, एन बाय 2 यानी 10 बाय 2, 2 ए, ए की क्या वैल्यू है 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 10 माइनस 1 और डी की क्या वैल्यू है 5। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू 5 45, 4 प्लस 45 49। तो 5 इंटू 49 कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 245। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म्स यानी सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है 245। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है कि a की क्या वैल्यू है -37, a2 की क्या वैल्यू है -33। तो d कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू आएगी, a2 -a1, तो -33 -37। तो -33 प्लस के 37 यानी d की वैल्यू आई 4। और n की क्या वैल्यू है 12, कि हमें 12 टर्म्स तक सम फाइंड करना है, तो हमें निकालना है S12 क्या होगा, n by 2 यानी 12 by 2, 2 a, a की क्या वैल्यू -37 प्लस n minus 1 यानी 12 minus 1 और d की क्या वैल्यू है 4, 2 6 जा 12, 2 into minus के 37, minus के 74, 11, 12 minus 1, 11, 11 into 4, 44, और 74 में माइनस के 74 प्लस के 44 कितना होगा माइनस के 30, तो 6 into माइनस के 30 माइनस की 180। तो S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आया माइनस के 180। अगले पार्ट में क्या है, a की वैल्यू है 0.6, a2 की वैल्यू है 1.7। तो d की क्या वैल्यू आई कॉमन डिफरेंस की 1.7 माइनस 0.6, तो d की वैल्यू आई 1.1। n की क्या वैल्यू है 100, हमें 100 टर्म्स तक सम फाइंड करना है, तो s 100 क्या होगा, 100 बाय 2 यानी n बाय 2, 2 a, a क्या है 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 और d की क्या वैल्यू है 1.1। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 और 0.6 को और 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2 और 99 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1.1 से। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1089 प्लस 1.2 को
ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 110.1, और इन दोनों को अब करना है मल्टीप्लाई। 110.1 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,500। तो ये आया हमारा एस 100 की सम ऑफ 100 टर्म क्या है, 100 टर्म 5,505। ए की क्या वैल्यू है, 1/15। ए टू की वैल्यू है 1/12। तो डी की क्या वैल्यू है, 1/12 माइनस 1/15, दोनों का एलसीएम 60। तो 12 5 60 और 15 4 60। तो डी की वैल्यू आई 1/60 और एन की क्या वैल्यू है, 11। तो एस 11 क्या आया, एन बाई टू, टू ए कितना है 1/15 और एन कितना है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1/60। तो 11/2 ये आया 2/15 और 10/60। 11 माइनस 1 10 और अपॉन में 60, 0 से 0 कट तो अंदर रह गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 2 जब 4 और 6 5 जब 30। तो 11/2 इक्वल टू 9/30, तो ये आया 99/60। तो S11 क्या है, S11 आया 99/60 और ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे कि 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 और 60 को 20, 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो S11 यानी सम ऑफ 11 टर्म क्या है, फर्स्ट 11 टर्म 33/20। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंपल भी है। इसमें हम इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है कि एन की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू दी हुई है और ए टू की वैल्यू दी हुई है, तो पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ए की वैल्यू दी हुई है, ए टू की वैल्यू दी हुई है, यानी पूरी ए पी की सीरीज दी हुई थी और एन की वैल्यू दी हुई थी कि हमें कहां तक निकालना है। इसमें क्या है कि हमें ए पी की सीरीज दी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और साथ में लास्ट टर्म दी हुई है कि एन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो हमें इनका सम निकालना है। तो हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, 7 + 10 = 1/2 + 14 up to 84। ए की वैल्यू है 7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ए टू की वैल्यू आएगी 2 × 20 + 1 = 21/2। तो डी की क्या वैल्यू आएगी, 21/2 - 7, ए टू माइनस ए वन, एलसीएम 2 तो 21 - 14, यानी डी की वैल्यू आई 7/2। ए की क्या वैल्यू है 7, डी की क्या वैल्यू 7/2 और ये हमें वैल्यू दी हुई है 84 लास्ट टर्म की, यानी ए एन। तो ए एन हमें क्या दिया हुआ है 84। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 बी, ये क्या दिया हुआ है 84। यहां से हमें एन की वैल्यू निकालनी, पहले ए की क्या वैल्यू है 7, एन माइनस 1 हमें निकालना है यानी एन, और डी की वैल्यू 7/2 करेंगे तो आएगा 7/2, यानी 7/2 n + 7/2, इसका एलसीएम 2 तो 7n + 7 और ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आया 7n + 7 = 168। 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n + 1 7 और ये 168
एस आई, तो एन प्लस वन की क्या वैल्यू आई, 168 अपॉन 7, एन प्लस वन की क्या वैल्यू आई 24, एन की कितनी वैल्यू आई 24 माइनस 1 यानी एन की वैल्यू आई 23। अब एन की वैल्यू आई 23, ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू है 7/2, तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू 23 यानी एस 23 यानी सम ऑफ 23 टर्म्स निकालना, यानी 23 अपॉन 2 यानी एन बाय 2, और फर्स्ट टर्म क्या है 7 और लास्ट टर्म क्या है 84। यानी यहाँ फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं आप, डायरेक्ट एन बाय 2 ए प्लस ए। अगर आप n by 2, 2a plus n minus 1d से भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, 23 upon 2 और इनको हम ऐड कर देंगे तो आएगा 91, और 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2093 अपॉन में क्या है 2, तो ये क्या है s 23, sum of first 23 terms। Second part, ए की क्या वैल्यू है 34, ए टू की वैल्यू है 32 और ए एन दिया हुआ है हमें 10, तो डी की क्या वैल्यू आई 32 माइनस 34 यानी डी की वैल्यू आई माइनस 2, ए एन क्या दिया हुआ 10, तो ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 10, ए की वैल्यू है 34, एन की हमें निकाली एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 2 है, तो 34 माइनस 2n प्लस के 2 इक्वल टू 10। यानी ये आया 32 माइनस 2n है 36 माइनस के 2n इक्वल टू 10, यानी माइनस 2n क्या आया माइनस के 10, 10 माइनस 36 माइनस माइनस 2n क्या है 10 माइनस 36, और 10 माइनस 36 यानी माइनस के 26 माइनस से माइनस कर, तो n की वैल्यू आई 26 अपॉन 2 यानी के 30। तो सिंपल हमें क्या निकालना है s 13, s 13 हमें निकालना है, और s 13 क्या होगा 13/2, और यहाँ भी हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस n का, तो a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 34 और लास्ट टर्म क्या है 10, तो 13 अपॉन 2 इंटू 44, 34 और 10 ऐड करेंगे तो 44, 2 से 44 कट जाएगा 22 पर, और 22 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 286, तो 286 इसका a की क्या वैल्यू है थर्ड में माइनस 5, a2 की है माइनस 8 और an है माइनस की 230, तो d की वैल्यू आई माइनस 8 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो d की वैल्यू आई माइनस 8 प्लस 5 यानी माइनस की 3, और an की वैल्यू क्या है 2 माइनस की 230, एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए क्या है माइनस फाइव, एन हमें निकालना है एन माइनस वन, डी की क्या वैल्यू है माइनस थ्री इक्वल टू माइनस के 230, यानी माइनस फाइव के ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस थ्री एन प्लस के थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस के थ्री इक्वल टू माइनस 230, माइनस फाइव प्लस के थ्री यानी माइनस के टू माइनस के थ्री एन इक्वल टू माइनस के 230, माइनस 3n माइनस 230 और इस साइड जाकर ये हो जाएगा प्लस के 230, तो माइनस 3n इक्वल टू माइनस के 228, और n की क्या वैल्यू है 228 अपॉन में 3 यानी n की वैल्यू आई 76। अब हमें क्या निकालना है s 76, n अपॉन 2 यानी 76 अपॉन 2, a क्या है माइनस के 5 और l की क्या वैल्यू है माइनस के 230, यानी लास्ट टर्म क्या है 230, तो ये कट गया है 76 2 से
38 पर और माइनस के 5 और माइनस के 230 तो ये आ गया माइनस के 235 यानी 38 इंटू माइनस के 235 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 8930 यानी माइनस का 8930। तो ये है एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अलग अलग पार्ट दिए गए हैं कि ये एपी की सीरीज दी हुई है और इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या निकालना है एन और एस एन, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स और एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें ए की क्या वैल्यू है 5, ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5, बी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 3, ए एन यानी जनरल टर्म ऑफ एपी की वैल्यू दी हुई है 50 और हमें निकालना क्या है एन एंड एस एन। अब ए एन की वैल्यू ए एन की वैल्यू 50 और ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 50। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस वन डी की क्या वैल्यू 3 तो 50। ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 3 इंटू एन 3n और 3 इंटू माइनस वन माइनस 3 इक्वल टू 50। अब 5 प्लस के 5 माइनस के 3 यानी कि प्लस के 2 तो 3n प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 50 और 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा तो 3n इक्वल टू 50 माइनस 2 यानी 3n इक्वल टू 48 तो n की क्या वैल्यू आई 48 अपॉन 3 यानी कि n की वैल्यू आई 16। अब यानी हमें एक यानी एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया इसके कि n की वैल्यू क्या है 16। अब हमें निकालना है s n n की s 16 और एस एन क्या होगा एस सिक्सटीन क्या होगा 16 अपॉन 2 यानी एन अपॉन 2 और इसको आप चाहें तो 2a प्लस एन माइनस 1d से कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट a प्लस एन से भी कर सकते हैं कि an क्या है 50 और an को हम ln की लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं तो 16 अपॉन 2 यानी कि n अपॉन 2 a की क्या वैल्यू है 5 और l की क्या वैल्यू है 50 अपॉन 2 तो 2 8 16 और 5 प्लस 50 यानी 55 तो एस 16 क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 444 तो एस 16 की क्या वैल्यू आई 444 और एन की क्या वैल्यू है 16। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट ए की क्या वैल्यू है 7 ए 13 की वैल्यू है 35 को फाइंड क्या करना है बी और एस 13 यानी कि सम ऑफ 13 टाइम्स ए 13 क्या होगा ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35 ए की क्या वैल्यू है 7 तो 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35 और 12 डी क्या होगा 35 माइनस 7 यानी 12 डी इक्वल टू हुआ 28 तो डी हुआ 28 अपॉन 12। अब इसको हम काट सकते हैं 4 से 4 7 से 28 और 4 3 से 12 तो d की क्या वैल्यू आई 7/3 ये आंसर क्या है 7/3। अब हमें निकालना है s13 क्या होगा s13 होगा 13 अपॉन 2 और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि a प्लस l a की क्या वैल्यू है 7 और 13 क्या है लास्ट टर्म क्योंकि हमें 13 टर्म्स तक का ही सम निकालना है तो ए प्लस एल क्या है 7 प्लस 35 क्या होगा तो 13 अपॉन 2 और 7 प्लस 35 कितना होगा 42 तो 2 से 42 कटेगा 21 पर और 21 इंटू 13 करेंगे तो आएगा 273 तो एस 13 क्या है 273 और आप चाहें तो इसको n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जब भी आंसर
यही आएगा। ये जो 35 है ए 13, ये क्या है कि लास्ट टर्म भी है, क्योंकि हमें एस 13 तक का ही सम निकालना है, यानी फर्स्ट 13 टर्म का। तो ये था सेकंड पार्ट, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ए 12 की वैल्यू दी हुई है 37, डी की वैल्यू दी हुई है 3, हमें ए फाइंड करना है और एस 12 फाइंड करना है। एस 12 फाइंड करना है तो इसका मतलब है जो ए 12 है ये इसकी लास्ट टर्म भी है। तो ए 12 क्या है, ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37, डी की क्या वैल्यू है 3, तो ए प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, तो 11 इंटू 3 क्या हुआ 33, ए प्लस 33 इक्वल टू 37, तो ए की क्या वैल्यू आई 37 माइनस 33 यानी कि ए की वैल्यू आई 4, तो ये आया फर्स्ट का आंसर, ए की वैल्यू आई 4। अब एस 12 इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे एन बाई टू ए प्लस एन, एन कितना है 12/2, ए कितना है 4 प्लस एल कितना है 37, 4 प्लस 37, तो 12 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 37 क्या हो 41, 2 से 6 2 6 जा 12, तो एस 12 की क्या वैल्यू आई 6 इंटू 41 246 15, और एस 10 की वैल्यू क्या दी हुई है 125, तो हमें क्या निकालना है डी की वैल्यू और ए 10 यानी 10 टर्म कौन सी होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये हमें निकालना। तो ए 13 का मतलब है ए प्लस 12 बी इक्वल टू कितना है 15, तो ए प्लस 12 डी इक्वल टू होगा 15, और एस 10 क्या होगा ये है इक्वेशन नंबर 1, एस 10 क्या होगा कि 10 अपॉन 2 2 ए प्लस एन माइनस एन कितना है 10 माइनस 1 डी, तो एस 10 कितना है 125, 25 जा 10 2 ए प्लस 9 डी, और 125 और ये इस साइड 5 आ जाएगा अपॉन में, तो 2a प्लस 9d, तो 5 से ये कट गया 25 पर, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 12d इक्वल टू 10 नो 15, और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को कट करने के लिए इक्वेशन को बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से, तो क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 1 आएगी 2a plus 24d equal to 30, या इक्वेशन नंबर 3, और 2a plus 9d equal to 25 इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट, और 24 में से 9d गए तो 15d इक्वल टू 5, यानी d की क्या वैल्यू आई 5 अपॉन 15, यानी d की वैल्यू आई 1 अपॉन 3, डी की वैल्यू आई 1 अपॉन 3, और ये डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस 12 डी इक्वल टू 15, डी की क्या वैल्यू है 1 अपॉन 3 इक्वल टू 15, तो 3 4 जा 12, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 15, तो ए की क्या वैल्यू आई 15 माइनस 4 यानी ए की वैल्यू आई 11, और d की वैल्यू आई 1 अपॉन 3, तो एक तो हमें d की वैल्यू निकालनी थी और दूसरी निकालनी हमें a 10, a 10 क्या होगा a प्लस 9d, a की क्या वैल्यू है 11, 9d की क्या वैल्यू 1 बाय 3, तो 3 3 जा 9, तो a 10 की वैल्यू आई 11 प्लस 3 यानी 14, तो a 10 की वैल्यू आई 14 और d की वैल्यू आई 1/3। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट।
v की वैल्यू है 5, s 975, निकालना क्या है हमें a और a 9, फिफ्थ पार्ट है, v की वैल्यू दी हुई और s 9 की वैल्यू, तो पहले a निकालते हैं, s 9 क्या होगा कि s 9 होगा 75 इक्वल टू 9 बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 9, 2a प्लस n कितना है 9, तो 9 माइनस 1 और d कितना है 5, तो ये 75 इक्वल टू क्या हुआ 9 अपॉन 2, 2a प्लस 8 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 और 8 इंटू 5 40, ये इस साइड मल्टीप्लाई, तो 75 इंटू 2 इक्वल टू 9, 2a प्लस 40, तो ये आया 18a, 9 इंटू 2a 18a और 9 इंटू 40 360 इक्वल टू 150, और 18a इक्वल टू क्या आया 150 माइनस 360, यानी 18a इक्वल टू आया माइनस की 210, तो a की क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू आई माइनस के 210 अपॉन 18, तो 6 से 35 पर ये कर दिया और 3 पर ये, तो a की क्या वैल्यू है माइनस के 35 अपॉन 3। अब क्या निकालना है हमें, A9 क्या होगा A प्लस 8D, A की क्या वैल्यू माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 8D की क्या वैल्यू है 5, तो 8 इंटू 5 यानी 35 माइनस 3 माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 14, एलसीएम 3 तो माइनस के 35 प्लस 120, तो A9 की वैल्यू आई, A9 की वैल्यू क्या है 120 माइनस के 35 अपॉन 3 यानी 85 अपॉन 3, तो ये आई A9 की वैल्यू और ये है A की वैल्यू। तो एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट में क्या है कि a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 8 और sn क्या दिया हुआ है 90, तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और an यानी जनरल टर्म हमें निकालनी है। हमें एक तो n निकालना है और एक an यानी कि जनरल टर्म ऑफ n ab निकालना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Sn का फार्मूला क्या होता है। Sn का फार्मूला होगा n by 2 2a plus n minus 1 d, ये कितना दिया हुआ 90। n क्या है, n हमें निकालना है n by 2 2a, a की क्या वैल्यू है 2 plus n minus 1, ये भी निकालना है हमें n, और d की क्या वैल्यू है 8 90, तो ये 2 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा n और इसको ओपन करेंगे 2 टू द 4 और n माइनस 1 यानी कि 8 n माइनस 8, और ये कितना हो गया 180, 4 माइनस 8 यानी कि 4 8 n माइनस 4 इक्वल टू 180, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 n स्क्वायर माइनस 4 n इक्वल टू 180, तो 8 n स्क्वायर माइनस 4 n और माइनस के 8 n 180 इक्वल टू 0, इसमें से हम क्या लेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 n स्क्वायर माइनस n और माइनस के 45 इक्वल टू 0, तो 2n square minus n minus की 45 equal to 0। अब हमें इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आए माइनस की 90 और प्लस माइनस करके आए माइनस के 1, तो दो नंबर हैं 2n square equal to minus के 10n
प्लस के 9n माइनस के 14। अगर माइनस के 10 में प्लस के 9 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 19। तो इन दोनों में से क्या कॉमन, 2n, तो अंदर क्या रहेगा n माइनस 5, और प्लस 9 कॉमन है इसमें से, अंदर क्या रहेगा n माइनस 5। तो 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी 2n इक्वल टू माइनस 9, यानी n की एक वैल्यू आई माइनस 9 बाय 2, और दूसरी वैल्यू आई n माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी n बाय इक्वल टू 5। ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो n की क्या वैल्यू आई, 5। n की क्या वैल्यू आई, 5। अब हमें क्या निकालना है, a n, n की a 5, a 5 क्या होगा, a प्लस 4d, a की क्या वैल्यू है 2, प्लस 4d की क्या वैल्यू है 8, तो 4 8 32 और प्लस 2 34। तो n की वैल्यू आई 5 और a 5 की वैल्यू आई 34, वैल्यू है 8, an की वैल्यू 62, Sn की वैल्यू 210। हमें निकालना क्या है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स और d यानी कॉमन डिफरेंस। an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 62। a की क्या वैल्यू है, 8, n माइनस 1d इक्वल टू 62। तो n माइनस 1d क्या हुआ, 62 माइनस 8 यानी कि n माइनस 1d इक्वल टू 54। गलत चाहिए, Sn की क्या वैल्यू है, 210। अब Sn का मतलब है n by 2, 2a plus n minus 1d equal to 210। n by 2, 2a की क्या वैल्यू है, 8, तो 2 into 8, n minus 1d equal to 210। ये इस साइड 2, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर रहेगा n, 28 जा 16 प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 420। और हम देखें कि an क्या है, an है 62, तो an क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 62। a क्या है, 8, तो 8 प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 62। तो n माइनस 1 d की क्या वैल्यू आई, ये प्लस का 62, इस साइड लेकर जाएंगे माइनस का, तो 62 माइनस 8 यानी n माइनस 1 d की वैल्यू क्या आई, 54। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां आप देखें कि n की क्या अंदर क्या रहेगा, 16 प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1 d की क्या वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, 54। 16 प्लस 54 क्या होगा कि n इंटू 16 प्लस 54 क्या होगा, 70 इक्वल टू 420। तो n की क्या वैल्यू आई, 420 अपॉन 70, 0 से 0 कट, तो 7 6 42, तो n की क्या वैल्यू आई, 6। तो एक वैल्यू क्या आई आंसर, 6। और अब क्या निकालना है हमें, दूसरा d की वैल्यू, क्या वैल्यू आई, 6। और फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया था, n माइनस 1 d इक्वल टू 54, तो n की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू d 54, तो 6 माइनस 1 5d इक्वल टू 54, तो d की क्या वैल्यू है, 54 बाय 5। थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट, इसमें क्या है, a यानी जनरल टर्म ऑफ n, ap की वैल्यू दी हुई है 4, d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 3, d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 2, sn क्या है माइनस 14, उनको निकालना क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स और a फर्स्ट टर्म। तो an का क्या मतलब है, यानी a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है, 4। a हमें निकालना है n माइनस 1, n भी निकालना है, और d की वैल्यू क्या है, 2 इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ये माइनस 2 इस साइड ले जाएंगे, तो a प्लस 2n इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 2 6। और यहां से a की क्या वैल्यू आएगी, 6 माइनस 2n,
ये है इक्वेशन नंबर वन। अब सेकंड क्या है कि एस एन दिया हुआ माइनस की 14। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू कितना दिया हुआ माइनस की 14। एन बाय टू यानी एन हमें निकालना है टू ए प्लस एन माइनस वन डी की क्या वैल्यू है टू इक्वल टू माइनस 14। तो एन बाय टू इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो टू ए प्लस टू एन माइनस टू इक्वल टू माइनस 14। टू इंटू माइनस 14 तो यहाँ रह गया एन टू ए प्लस टू एन माइनस टू इक्वल टू माइनस 28। 2 इंटू माइनस 14 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से माइनस के 28। तो 2a प्लस 2n और यहां से a की क्या वैल्यू है 6 माइनस 2n। तो 2a प्लस 2n माइनस 2 तो यहां से क्या है 2 कॉमन दे देंगे तो बाहर हो गया 2n, अंदर रह गया a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 28। ए की क्या वैल्यू है जो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से आई है 6 माइनस 2n, ये हम यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू में। तो 2n a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 28। ये 2 से 28 कट गया तो n क्या है n a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 14। ए की क्या वैल्यू है इक्वेशन नंबर वन से 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस वन इक्वल टू माइनस 14। 6 माइनस 1 5 यानी 5 और माइनस के 2n प्लस के n माइनस के n तो 5 माइनस n इक्वल टू माइनस के 14। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 14। इस 14 को इस साइड ले आएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0 यानी और माइनस कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन बनेगी एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0 यानी एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहां से हम फैक्टराइजेशन से n की वैल्यू निकालेंगे। एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए माइनस के 14 और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस के 5। तो दो नंबर है एन स्क्वायर माइनस यानी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 इंटू माइनस के 7 माइनस के 14 और 2 माइनस 7 माइनस के 5। तो n कॉमन इन दो में से तो अंदर क्या रहेगा एन प्लस 2 और यहाँ से माइनस 7 कॉमन तो अंदर क्या रहेगा एन प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एन माइनस 7 और एन प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई एन माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी एन की वैल्यू 7, दूसरी आई एन प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी एन माइनस 2। इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 7, एक आंसर आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है डी की वैल्यू, नहीं अब हमें क्या निकालना है ए की वैल्यू, क्या निकालना है ए की वैल्यू। और ए की क्या वैल्यू आई थी 6 माइनस ए इक्वल टू 6 माइनस 2n फ्रॉम इक्वेशन 1। अब और एन की क्या वैल्यू है 2 इंटू 7 तो 6 माइनस 14 माइनस के 8। तो माइनस के 8 आई फर्स्ट इक्वेशन और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 7। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि ए 7 के नाम आना चाहिए 4। तो ए 7 यानी ए प्लस 6 डी, ए की क्या वैल्यू है माइनस के 8 और डी की क्या वैल्यू है 2। तो 6 इंटू 2 14, 14 माइनस 8 नहीं 6 इंटू 2 12 और 12 माइनस 8 4। तो ए 7 क्या है 4। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू है माइनस 8 और एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स है 7 और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस की 8। अब इसका नाइन्थ पार्ट
एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट, ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म्स है 8, एस 8 यानी सम ऑफ 8 टर्म्स, फर्स्ट 8 टर्म दिया हुआ 92, हमें क्या निकालना है बी। तो एस 8 का फार्मूला क्या है कि 8/2 यानी एन बाई टू, 2a, a कितना है 3, 2 into 3 प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इक्वल टू d माइनस d। s 8 क्या दिया हुआ है 192, तो 8/2 यानी 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 192 अपॉन में 4, 6 प्लस 7 d, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7 d, 48 को इस साइड ले आएंगे तो 6 को इस साइड ले आएंगे 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 d, यानी 48 माइनस 6 कितना हुआ 42, सो 7 d इक्वल टू 42, तो d की वैल्यू आई 42 अपॉन 7, 7 6 जा 6 42। तो आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप एस 8 निकालेंगे तो वो 192 ही आएगा, कि अगर यहाँ d की जगह 6 रख देंगे तो आप देखें 192 ही आएगा। कि अब जैसे ये 4 है, ब्रैकेट के बाहर 4 है तो 6 प्लस 7 d, और 7 कितना है और d कितना है 6, तो 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 6 48, 48 इंटू 4 192। अब थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्या वैल्यू दी हुई है यानी लास्ट टर्म 28, सम कितना दिया हुआ है एस 9, 144, एन की क्या वैल्यू है 9, ये हमें निकालना है। लास्ट टर्म है 28 यानी 9 टर्म क्या है लास्ट टर्म, यानी कि ये क्या है ए 9, ये 9 टर्म है और ये कितनी है 28। अब ये 9 टर्म क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म है और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, और सम कहां तक लेना है हमें s 9 तक, s 9 क्या दिया हुआ 144। अब इसको आप डायरेक्ट करेंगे इस फार्मूले की s n इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n। अब देखिए s n कितना है s 9 यानी कि 144, n कितना है 9 बाय 2, ए कितना है ए हमें निकालना है और एल कितना है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 2 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में ए प्लस 28, 144 इंटू 2 288 इक्वल टू 9 ए प्लस 28, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा तो 288 अपॉन 9 ए प्लस 28, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से ये आएगा 32 इक्वल टू ए प्लस 28, ए प्लस 28 इक्वल टू 32, तो ए की क्या वैल्यू आई 32 माइनस 28 यानी ए की वैल्यू आई 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी यानी इसका मतलब है कि इसमें क्या पूछा है एन, और एपी की सीरीज क्या है 9 17 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ, एपी की सीरीज दी हुई है 9 17 25 अप टू सो ऑन, तो ए की वैल्यू 9 और ए टू की है 17, तो यहां से डी की क्या वैल्यू आएगी 17 माइनस 9 यानी 8। अब एस एन क्या दिया हुआ है 636, हमको निकालना क्या है हमको निकालना है एन, एन हमको निकालना, एस एन का फार्मूला क्या होता है कि एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 d कितना दिया हुआ है 636, एन हमें निकालना है, ए कितना है 9, एन निकालना है 9, एन माइनस 1 डी कितना है 8, 636, ये 2 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ रह गया एन 29 जाए 18 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 9 8 n माइनस 8 इक्वल टू
1272 कितना है 18 प्लस 8 माइनस 8 कितना होगा 10। तो n अंदर क्या रहेगा बोला 10 प्लस 8n कितना है 1272। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो बाहर हो गया 2n, अंदर रह गया 5 प्लस 4n इक्वल टू 1272। और इस 2n को ये साइड डिवाइड में चला जाएगा तो 5 प्लस 4n इक्वल टू क्या है 1272 अपॉन 2 n ये आया n 5 प्लस 4n इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 636। अब इस ब्रैकेट को आप करेंगे ओपन तो n इंटू 5 5n और 4n से करेंगे तो प्लस के 4n स्क्वायर इक्वल टू 636 यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 इक्वल टू 0। मतलब कि अब हमें इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आए 636 को 4 से करेंगे तो माइनस का 636 है तो माइनस के आने चाहिए 2544 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। तो आप अगर 2544 का एलसीएम लेंगे तो दो नंबर आएंगे 4n स्क्वायर प्लस ये 53n माइनस के 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 यानी 53 में से अगर आप 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस के 5 और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आएगा 2544। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे तो 4n स्क्वायर ये 48 आ गया 4n स्क्वायर के साथ माइनस के 48n प्लस 53n माइनस के 636 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4n तो अंदर रह गया n माइनस 12 और यहाँ से कॉमन आएगा 53 तो अंदर रह गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी एक वैल्यू आई 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 यानी 4n इक्वल टू माइनस के 53 तो n की वैल्यू आई माइनस के 53 बाय 4। इस वैल्यू को हम कर देंगे नेगलेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। दूसरी वैल्यू क्या आएगी n माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 12 यानी अगर आप इसका सम इस AP की सीरीज का सम 12 टर्म तक लेंगे यानी S12 कितना आएगा S12 इक्वल टू 636। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको निकाल कर 636 ही आएगा। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 5 लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 45। SN दिया हुआ हमें 400 तो हमें क्या निकालना है कि N M की नंबर ऑफ टर्म्स और D कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो SN कितना है 400 तो SN का फार्मूला होता है एक जहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई हो तो N by 2 A plus N equal to 400 N by 2 N हमें निकालना है A की क्या वैल्यू है 5 L की क्या वैल्यू है 45 तो ये कितना होगा 400 5 प्लस 45 n by 2 इंटू 50 इक्वल टू 400 2 से 50 25 पर कर गया तो 25 n इक्वल टू क्या है 400 तो n की क्या वैल्यू आई 400 अपॉन 25 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगी n की वैल्यू 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। दूसरा हमें निकालना है b की वैल्यू तो AL जो ये लास्ट टर्म दी हुई है ये 45 है तो इसको हम ANB बोलते हैं। तो AN का फार्मूला क्या होगा A plus N minus 1 B और ये कितना है 45 ये हमें निकालना है N कितना है 16 minus 1 और A की क्या वैल्यू है 5 हमें निकालना क्या है D निकालना है हमें
ए नहीं निकालना, बी निकालना, इक्वल टू 45। ये फाइव यहाँ प्लस का है और साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 16 माइनस वन क्या है 15 बी, और 45 माइनस फाइव तो 15 बी इक्वल टू आया 45 माइनस फाइव 40, तो बी की क्या वैल्यू आई 40/15, और 5 8 40 5 3 15, तो 8/3 आई डी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू आई 6। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का 6 क्वेश्चन, इसमें क्या है ए वन एन की फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 17, ए एल एन की लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 350, डी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 9, तो उनको क्या निकालना है एन नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। तो ए एल को हम ए एन बी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं ए एन बी, ए एन यानी कि जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू क्या है 350। ए की क्या वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन एन हमें निकालना है, बी की वैल्यू 9 350। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 17 प्लस 9 एन माइनस 9 इक्वल टू 350, 17 माइनस 9 तो एन 9 एन प्लस 8 इक्वल टू 350, 9 एन इक्वल टू 350 माइनस 8 और 9 एन की क्या वैल्यू आई 350 में से 8 माइनस करेंगे तो 342, और n की क्या वैल्यू है 342 अपॉन 9, तो 9 से इसको कट करेंगे 9 3 27 और 9 8 72, तो n की क्या वैल्यू आई 38, तो a का आंसर आया 38। दूसरा हमें क्या निकालना है s n n की s 38, तो इसमें हम जब फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है तो n बाई टू ए प्लस एल वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो n की क्या वैल्यू है 38/2, a की क्या वैल्यू है 17 और n की कितनी वैल्यू है 350, तो 2 से 38 19 पर कट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 367, और 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अब हमें क्या करना है आंसर के लिए 367 को 19 से करना है मल्टीप्लाई, तो 367 पर 6973, तो ये है सम ऑफ एन टर्म्स एन की सम ऑफ 38 टर्म्स और एन की क्या वैल्यू है 38। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का 6th क्वेश्चन, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में क्या है कि डी की वैल्यू दी हुई है 7 और ए 22 की वैल्यू दी हुई है 149 और एस 22 हमें निकालना है, तो इससे एक बात क्लियर है कि एन की क्या वैल्यू है 22 यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 22, तो ए 22 क्या होगा ए 22 को ए प्लस 21 डी ऐसे लिख सकते हैं। ए की क्या वैल्यू है जो हमें निकालनी है, ए 22 की कितनी वैल्यू है 149, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है 7 तो 21 इंटू 7 तो 149 21 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 147, तो ए प्लस 147, तो यहां से ए की क्या वैल्यू आई 149 और ये 147 इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 तो 2 इक्वल टू ए यानी ए की क्या वैल्यू आई 2, ए की वैल्यू आई 2 यानी फर्स्ट टर्म कितनी आई 2, लास्ट टर्म कितनी है 149, तो एस एन का फार्मूला क्या होगा एन बाई टू ए प्लस एल, एन कितना है 22 और एन की क्या वैल्यू है 22/2, ए की क्या वैल्यू है 2 और लास्ट टर्म कितनी है 149, 2 से 22 कट गया 11 पर और 2 प्लस 149 करेंगे तो आएगा 151, तो S22 की वैल्यू आएगी
तो एस 22 की वैल्यू आएगी 1661। तो इसमें क्या है कि सिंपल आपको ए 22 की वैल्यू दी हुई है, तो ए 22 यानी जो कि लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, तो वहां से पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ए की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, लास्ट टर्म की वैल्यू है, और डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, तो आप उससे, और एन की वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट फिर एस एन निकाल सकते हैं, जो कि एस 22 हमने निकाला है, जो आया 1661। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 8th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें एस 51 की वैल्यू निकालनी है। एस 51 का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, और हमें क्या दिया हुआ है, ए 2 यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 14, थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है 18। एस 51 का मतलब है कि एन की क्या वैल्यू है, 51। ए 2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी कितना है 14, और ए 2 को लिख सकते हैं ए प्लस 2D 18। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए से ए कट, डी में से माइनस के माइनस करेंगे 2D, तो माइनस डी, और 14 माइनस 18 यानी 4, तो डी की क्या वैल्यू आई 4। अब ये डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में कर देंगे 4, तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी यानी फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 14, तो इसमें डी की जगह 4 पुट कर देंगे हम, तो 14, तो ए की क्या वैल्यू आई 14 माइनस 4 यानी ए की वैल्यू आई 10। अब हमें क्या निकालना है कि ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू है 4, तो हमें निकालनी है एस 51 की वैल्यू, तो 51 बाय 2 यानी कि एन बाय 2, 2 ए, ए की क्या वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू है 51 और डी की क्या वैल्यू है, डी की वैल्यू है 4, तो एस 51 क्या है, 51 बाय 2, 2 इंटू 10 20, 51 माइनस 50, 51 माइनस 1 50, और 50 इंटू 4 200, तो 20 प्लस 200, 20 प्लस 200 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एस 51 20 प्लस 200 आया 220, तो 2 से इसको कट कर देंगे तो ये कट जाएगा 110 पर यानी कि 110 पर। अब सिंपल आपको 51 को, अब सिंपल आपको 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो सम ऑफ 51 टर्म्स आ जाएगा। तो सम ऑफ 51 टर्म्स आएगा 5610। तो इसमें पहले ए और डी की वैल्यू निकालनी है, और फिर वहां से हमें यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला लगाकर इसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल देंगे। तो ये था 8th क्वेश्चन, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन, इसमें क्या कि एस 7 की वैल्यू दी हुई है 49। एस 7 का मतलब है सम ऑफ 7 टर्म्स, और एस 17 की दी हुई है 289 यानी एस 17 का मतलब है कि सम ऑफ 17 टर्म्स, तो एस 7 का मतलब है 7 बाय 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 डी इक्वल टू 49 यानी n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, n की क्या वैल्यू है 7, तो 7 बाय 2, 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, 7 जा 49 और 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 इंटू 2 14, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू और 2 इंटू 7, तो 2 से 2 कट, तो a प्लस 3d कितना आया 7, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि s 17 है 289, s 17 का मतलब फार्मूला n बाय 2 यानी 17 बाय 2, 2a ए हमें निकालना है प्लस एन कितना है 17 माइनस 1, और डी भी हमें निकालना है कितना है 289, 17 से 289 कट गया 17 पर,
17 इंटू टू, तो ये आया 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 2 इंटू 17। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8d और ये 2 इंटू 17, तो 2 से 2 कट, तो a प्लस 8d कितना आया 17। ये क्या है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 3d इक्वल टू 7 और ए प्लस 8d इक्वल टू 17। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सिंपल सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस, ए से ए कट, 3d में से माइनस करेंगे 8d तो आएगा माइनस के 5d और 17 में से माइनस करेंगे 17 तो आएगा माइनस के 10। माइनस से माइनस कट तो d की वैल्यू आई 10/5 यानी d की वैल्यू आई 2। अब ये d की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में, तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और d की क्या वैल्यू 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, 3 टू 6, तो a इक्वल टू क्या है 7 माइनस 6 1, तो a की वैल्यू आई 1 और d की वैल्यू आई, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई 1 और d यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई 2। तो मैं निकालना क्या है Sn, Sn का क्या फार्मूला होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है, n हमें Sn ही निकालना है, तो n बाई 2 2a की a की क्या वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d की कितनी वैल्यू है 2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे n बाई 2 2 1 जा 2 और ये 2n माइनस 2, प्लस के माइनस के 2 कट हो जाएंगे, तो n बाई 2 इंटू 2n यानी 2 से 2 कट, तो Sn का की वैल्यू आई n स्क्वायर, n इंटू n n स्क्वायर, क्या वैल्यू आई, सम ऑफ n टर्म्स कितना आया n स्क्वायर, कि हमें a और d की वैल्यू निकाल ली और फिर Sn का जो फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, उससे हम Sn की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी n स्क्वायर। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन। अब करते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन के अलावा 10 क्वेश्चन और हैं, यानी कि कुल 20 क्वेश्चन है, जो 11 टू 20 हम करेंगे कवर इससे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। कॉन्सेप्ट हालांकि यही Sn का यूज होगा, लेकिन काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इसलिए हमने ये पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब करते हैं 10th क्वेश्चन। तो क्या है कि सो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर माइन ap, कि फर्स्ट टर्म में a1, सेकंड टर्म में a2, थर्ड टर्म में a3, इसी तरह an तक टर्म है, तो वो ए पी फॉर्म करती हैं। केस क्या है कि जब ए एन की वैल्यू हो 3+4 है, यह है फर्स्ट केस। सेकंड केस में ए एन की वैल्यू हो 9-5 है, और दोनों केस में हमें एस 15 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस में क्या है, ए एन की वैल्यू 3+4 है, यानी ए वन क्या होगा 3+4 × 1 7, यानी ए वन की वैल्यू आई 7। ए टू की क्या वैल्यू आई 3+4 × 2, यानी a2 क्या हुआ 3+4 × 2 = 8, तो a2 की वैल्यू आई 11। यहाँ से d की क्या वैल्यू आएगी 11-7 a2-a1 यानी 4। और a3 क्या आएगा, यानी 3+4 × 3, ये 3 आएगा 3+12 = 15। अब d1 की क्या वैल्यू आएगी, d1 a2-a1 क्या होगा, यानी 11-7 d1 होगा 4। और सेम d2 की क्या वैल्यू आएगी, a3-a2, a3 कितना है 15-11 4।
अब डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू फोर, यानी डी वन इक्वल टू डी टू यानी कि डिफरेंस क्या है कॉमन है, तो ये क्या है इट्स एन एपी, ये एपी की सीरीज है कि जब क्या है ए एन की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4। अब हमें क्या फाइंड करना है एस 15 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो सम ऑफ 15 टर्म्स का फार्मूला क्या होगा 15 बाई 2 यानी कि एन बाई 2 टू ए, ए की क्या वैल्यू है यानी फर्स्ट टर्म 7, 2 इंटू 7 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 4। तो एस 15 क्या है इस केस में 15 बाई 2 टू 7 जब 14 और 15 माइनस 1 14 इंटू 4 56, तो एस 15 क्या है 15 इंटू 2 14 प्लस 56 कितना आया दोनों को ऐड करके एस 15 आया 15 बाई 2 इंटू 17, तो ये कट जाएगा 2 से 35 पर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 15 की वैल्यू आएगी 525, यानी 35 इंटू 15 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 525। ये है केस वन जब ए एन की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 है। सेकेंड केस ए एन की क्या वैल्यू है 9 माइनस 5 एन, यानी ए वन की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 5 इंटू 1, ए वन की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 4, ए टू की क्या वैल्यू आएगी 9 इंटू 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस 10 माइनस 1, ए थ्री की क्या वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 इंटू 3 यानी ए थ्री की वैल्यू आएगी -6, डी वन की वैल्यू क्या आएगी ए टू माइनस ए वन, ए टू की क्या वैल्यू है -1 और ए वन की क्या वैल्यू है -4, तो डी वन की कितनी वैल्यू आई -5 और डी टू की वैल्यू क्या आई ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री की क्या वैल्यू है -6 और ए टू की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो डी टू की वैल्यू कितनी आई -6 और प्लस के वन -5। अब डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू -5 यानी डिफरेंस क्या है कॉमन है, अब डिफरेंस कॉमन है तो ये क्या है सो इट्स एन एपी, एपी कैसे है और ए एन क्या है उसमें 9 माइनस 5। अब हमें क्या निकालना है एस 15 क्या होगा 15 बाई 2 यानी एन बाई 2, ए की क्या वैल्यू है यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है इसमें 4, तो 2 इंटू 4 टू ए प्लस एन माइनस एन कितना है 15 माइनस 1 और डी कितना है -5, तो 15 बाई 2 टू 4 जाए 8 प्लस 14, 15 माइनस 1 14 माइनस 5 14 इंटू 5 माइनस के तो क्या होगा माइनस के 70, तो 8 माइनस 70 यानी 15 बाई 2 कितना 15 बाई 2 इंटू माइनस के 62 को 2 से काट देंगे तो पड़ जाएगा 31 पर, तो एस 15 की वैल्यू क्या आई माइनस के 31 इंटू 15 ये मल्टीप्लाई करके आया है माइनस के 465। ये है एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर और हमको फाइंड क्या करना है कि एस वन फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, एस टू फाइंड करना है यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ए टू यानी सेकेंड टर्म, ए थ्री यानी थर्ड टर्म, ए वन यानी कि 10th टर्म और ए एन यानी कि जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, ये सब हमें फाइंड करना। तो एस एन हेड दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर, तो एस वन क्या होगा कि n की जगह अगर हम 1 पुट कर दे तो एस वन होगा, तो एस वन क्या हुआ 4 माइनस 1 3, तो हमारा एस वन क्या आया 3 और एस टू अगर हम n की जगह 2 पुट कर दे तो यानी 4 2 8 और 2 2 4, तो 8 माइनस 4 एस टू आया 4। अब एस वन आया 3, एस वन का मतलब है कि सम ऑफ वन टर्म,
यानी कि ये क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आई, थ्री। कि एस वन यही तो है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी आई, थ्री। अब एस वन और एस टू क्या आया है, फोर। तो एस टू का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी ए वन प्लस ए टू इक्वल टू फोर। ए वन कितना है, थ्री, और ए टू हमें निकालना है तो क्या है, फोर। तो ए टू कितना है, फोर माइनस थ्री वन। एस टू क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, थ्री, और सेकेंड टर्म हमें निकालना है, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या है, फोर। तो ए टू कितना है, फोर माइनस थ्री वन। बी क्या होता है कि ए टू माइनस ए वन, बी यानी कॉमन डिफरेंस। ए टू कितना है, वन, ए और ए वन कितना है, थ्री। तो वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू, कॉमन डिफरेंस आया माइनस टू। अब हमें क्या निकालना है, ए थ्री, ए थ्री यानी कि ए प्लस टू बी। ए थ्री कितना है, ए प्लस टू बी। ए कितना है, थ्री, प्लस टू डी की क्या वैल्यू, माइनस टू। तो ए थ्री कितना आया, थ्री प्लस माइनस फोर। तो ए थ्री कितना आया, माइनस वन, थ्री माइनस फोर माइनस वन। ए टेन, अब हमें सिंपल निकालना है ए टेन, तो ए टेन क्या होगा, ए प्लस नाइन डी। ए कितना है, थ्री, और डी की क्या वैल्यू, माइनस टू। तो थ्री प्लस नाइन इंटू माइनस टू, तो यानी थ्री माइनस एटीन, वो कितना है, थ्री माइनस एटीन यानी माइनस के फिफ्टीन। और एन, एन क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना है, थ्री प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, माइनस टू। थ्री ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस टू एन प्लस भी टू, माइनस टू एन को पहले एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के टू एन, और माइनस फिर माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन। थ्री प्लस टू कितना आया, फाइव माइनस के टू। तो ए एन कितना आया, फाइव माइनस टू एन। ए टेन कितना आया, माइनस के फिफ्टी। ए थ्री कितना आया, माइनस के वन। ए टू कितना आया, वन, और ए वन कितना आया, थ्री। तो यही, तो यही सब टर्म हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। तो ये था, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.3 का ट्वेल्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। नंबर डिविजिबल बाय 6 का मतलब है कि जो नंबर 6 से डिवाइड हो सके, या फिर आप कहें कि जो नंबर 6 का मल्टीपल हो। कि जैसे, तो फर्स्ट पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी 6 से ही स्टार्ट करना है। तो 6, 12, 18, 24 अप टू सो ऑन, और कहां तक जाना है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर से, यानी कि लास्ट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 40 × 6, और 40 × 6 क्या होगा, 240। तो लास्ट की टर्म क्या है, 240। ए वन क्या है, 6, ए टू क्या है, 12। तो यहां से डी की क्या वैल्यू है, 12 माइनस 6 यानी कि 6। और एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 40। हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एन की वैल्यू है 40। और ए एन या ए एल क्या है, यानी लास्ट टर्म, 240। ऐसे एन का यहाँ कौन सा फार्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हैं, एन बाय टू ए प्लस एल। एच 40 हमें निकालना है, यानी 40/2। ए कितना है, 6, प्लस एल कितना है, 240। दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 40, 6 + 240, 246, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20।
तो 20 इंटू 246 क्या है, यानी एस 40 सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 कितना है 4920। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि जो नंबर 8 का मल्टीपल हो यानी 8 के टेबल में आता हो। तो स्टार्टिंग करेंगे हम 8 से, 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16, 8 टू जा 8 थ्री जा 24 अप टू कहां तक हमें लेके जाना है 15 तक। तो 18 इंटू 15 करेंगे तो क्या आएगा 120। तो यहाँ A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 8, A2 कितना है 16, तो D की क्या वैल्यू आई कॉमन डिफरेंस की 16 माइनस 8 यानी कि 8, N कितना है 15 और An जनरल टर्म या लास्ट टर्म कितनी है 120। फाइंड आउट क्या करना है एस 15, तो एस 15 क्या होगा 15 बाय 2 यानी कि एन बाय 2 ए प्लस एल, ए कितना है 8, एल कितना है 120 यानी लास्ट टर्म। तो 15 बाय 2 इंटू 128, 120 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 128। 2 से इसको करेंगे डिवाइड तो ये जाएगा 64 पर, 64 इंटू 15 तो 15 तो ये आएगा 960। तो फर्स्ट 15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना होगा 960। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन से होंगे कि पहला ऑड नंबर है 1, फिर नेक्स्ट 3, फिर 5, 7 अप टू सो ऑन 50 से पहले यानी 0 और 15 के बिटवीन के बताने हैं। तो 50 से पहले का ऑड नंबर कौन सा है 49, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है तो उससे पहला ऑड नंबर कौन सा है 49। तो A1 की क्या वैल्यू है 3, A2 की A1 की वैल्यू 1, A2 की 3, तो यहां से D यानी कॉमन डिफरेंस क्या वैल्यू है 3 माइनस 1 2 और जनरल टर्म यानी कि लास्ट टर्म कहें या जनरल टर्म कहें An कितनी दी हुई है 49 एन कहें या लास्ट टर्म पे। तो एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, वो कितना है 49, ए कितना है 1 प्लस एन हमें निकालना है, डी कितना है 2, 49। ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस 2 एन माइनस 2 इक्वल टू 49, 1 माइनस 2 एन की माइनस के 1, 2 एन माइनस 1 इक्वल टू 49, 2 एन कितना होगा 49 प्लस 1 यानी 2 एन 50, एन क्या होगा 50 अपॉन 2 यानी कि 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 25, यानी कि ऐसे 25 नंबर हैं जो 0 और 15 के, जो 0 और 15 के बीच में क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स कितने हुए 25, मतलब हमें क्या निकालना है एस 25 और लास्ट टर्म क्या है 49, फर्स्ट टर्म क्या है 1 यानी n by 2, 25 by 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म कितनी है 49। तो 25 by 2 into 1 plus 49 50, तो 2 से 50 कट गया 25 पर, तो 25 into 25 तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म कितना हुआ 625, यानी सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कितना होगा 625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन
बियॉन्ड ए सर्टेन वेट एज फॉलोस कि पेनल्टी कितनी है रुपीज 200 फॉर फर्स्ट डे एंड रुपीज 250 फॉर सेकेंड डे एंड 300 फॉर थर्ड डे। इसका क्या मतलब है कि पेनल्टी फॉर ईच डे इज 50 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग डे कि जो पेनल्टी है हर दिन के लिए वो 50 ज्यादा है अपने लास्ट वाले दिन से कि फर्स्ट डे कितनी है 200, नेक्स्ट डे कितनी है 250 और थर्ड डे कितनी है 300। सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही हैज डिलेड द वर्किंग बाय 30 डे। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पेनल्टी के तौर पर पे करनी पड़ेगी अगर वो काम को 30 डेज यानी 30 दिन से लेट कर देता। तो इसमें फर्स्ट टर्म A1 कितना है 200, सेकंड टर्म A2 250। तो D यानी कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200 तो कितना है 50 और N कितना है 30। हमें क्या निकालना है S30 क्या होगा कि 30/2 यानी N/2 2A A की क्या वैल्यू है 2 into A 200 प्लस N-1 यानी 30-1 और D की क्या वैल्यू है 50। तो S30 कितना हुआ 2 से 30 कट गया 15 पर और अंदर 2 into 4 2 into 200 400 प्लस 30-1 29 into 50 S30 कितना है 15 और 400 प्लस 29 को 50 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 1450। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 15 into 1850। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी जो पेनल्टी है वो कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी। तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 27,750। तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एक महीने के लिए अगर वो काम को 30 डे से लेट कर देता है तो 27,750 यानी अगर जनरल भाषा में करें कहीं तो 27,500 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट 16th क्वेश्चन ए सम ऑफ रुपीज 700 इज यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस कि सम कितना है यानी SN कितना है 700 इज यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस यानी 7 कैश प्राइजेस का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7 तो S7 कितना हुआ 700। If each cash prize is 20 less than its preceding कि जो हर cash prize है वो अपने यानी जो next वाला होगा वो पहले वाले से 20 कम है तो हमें क्या करना है find the value of each cash prize। तो सिंपल भाषा में कहें तो हमें पूरी AP की सीरीज फाइंड करनी है A1 से लेकर A7 तक। तो हम मान लेते हैं कि let first cash prize be X हमने मान लिया पहला कैश प्राइस तो नेक्स्ट कैश प्राइस क्या होगा देन नेक्स्ट कैश प्राइस भी x-20। S7 क्या दिया हुआ है 700। S7 का मतलब है कि S7 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 n7/2 2a a कितना है x प्लस n-1 यानी कि 7-1 और d कितना है d आप निकाल सकते हैं कि a1 कितना हुआ x a2 कितना हुआ x-20 तो d कितना होगा x-20 - x x से x कट तो d हुआ -20। ये आप यहां भी देख सकते हैं कि each cash prize is 20 less than its preceding यानी 20 कम है तो d की वैल्यू क्या होगी -20। ये कितना है 700। तो 7/2 2x प्लस 7-1 6 और 6 into -20 यानी -120 = 700।
सेवन से सेवन हंड्रेड करके हंड्रेड पर, और ये हंड्रेड चला जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई में, तो टू एक्स माइनस 120 इक्वल टू 100 इंटू टू, और यहां से ये टू है, ये 100 इंटू टू क्या है 200, और ये 120 यहाँ माइनस का यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो 2x आया 320, और x की क्या वैल्यू आई 320 बाय 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 160, यानी फर्स्ट कैश प्राइस कितना आया, फर्स्ट कैश प्राइस हमने क्या माना था x, x की क्या वैल्यू है 160, तो फर्स्ट कैश प्राइस आया रुपीज 160, सेवन कैश प्राइस हमें फाइनल करनी, तो सेकंड कैश प्राइस कितना होगा 160 माइनस 20, क्योंकि प्रीसीडिंग है तो x माइनस 20, तो ये कितना हुआ 140, थर्ड 140 माइनस 20, तो ये कितना हुआ 120, फोर्थ 120 माइनस 20 तो कितना हुआ 100, फिफ्थ 100 माइनस 20 तो कितना हुआ 80, सिक्स 80 माइनस 20 रुपीज 60, और सेवन 60 माइनस 20 40, तो सारे कैश प्राइस कितने हैं, यानी सीरीज क्या बनी 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये बनी एपी की सीरीज। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए इन सबको ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 700 ही आएगा। तो ये था 16th क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज फॉर रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट सेम एज देयर क्लास, कि क्लास वन के स्टूडेंट प्लांट करेंगे एक ट्री, क्लास टू के प्लांट करेंगे दो, इसी तरह क्लास 12 तक प्लांट करेंगे 12 ट्री, और देयर आर थ्री सेक्शन इन ईच क्लास, के तीन सेक्शन है एक क्लास में, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये है क्लास वन, तो क्लास वन के स्टूडेंट कितना ट्री प्लांट करेंगे 1 1 1, यानी कितने हुए 3, क्लास टू के 2 2 2, यानी जितनी क्लास है उतने ही ट्री प्लांट करेंगे, कि मान लीजिए एक सेक्शन है फर्स्ट क्लास का, तो फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट एक ट्री प्लांट कर सकते हैं, तो तीन सेक्शन है तो कितने ट्री प्लांट करेंगे 3, सेकंड क्लास वाले यानी एक सेक्शन करेगा 2 ट्री प्लांट, तो 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, इसी तरह क्लास 12 तक जाए तो कितने ट्री प्लांट करेंगे वो 12 12 12, यानी कि ये कितना हुआ 36, तो A1 कितना हुआ 3, A2 कितना हुआ 6, तो D की क्या है कितने ट्री प्लांट कर रहे हैं, यानी S12 में निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 12, S12 क्या होगा n/2 n/12/2, A कितना है 3 प्लस L कितना है 36, L पर 2 6 का 12 और 3 प्लस 36 यानी 39, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 की वैल्यू आएगी 6 इंटू 39 234 ट्रीज, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रीज प्लांट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन में क्या है कि ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी विद रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 और 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल इज मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल। ये आप समझिए कि ये पहले वाला स्पाइरल है और ये क्या है,
ए और बी पॉइंट है, इसकी लेंथ है एल और इसकी है एल वन, इसकी एल वन, इसकी एल टू, और अब इसकी है तीसरे वाले की एल थ्री और इसकी है एल फोर और इसी तरह ये चला। तो एल वन क्या होगा, ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसका एल वन, इसका मतलब क्या है कि इसका एल वन क्या होगा, ये एल वन होगा रेडियस कितने हैं, डायरेक्ट एल वन नहीं लिखा, एल वन क्या होगा इसका सेमी पेरीमीटर कहें या फिर कहें इसका सर्कमफ्रेंस, कि इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और वो क्या होता है पाई आर। पाई आर इसलिए होगा क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल का क्या होगा टू पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या होगा यानी हाफ यानी पाई आर। कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है टू पाई आर और सेमी सर्कल का क्या होगा हाफ यानी पाई आर, और पाई की वैल्यू हम बाद में लेंगे जो दी हुई है 22/7। तो एल वन क्या है पाई इंटू आर यानी 0.5 पाई, एल टू पाई इंटू आर यानी पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एल थ्री पाई इंटू आर यानी 1.5 पाई सेंटीमीटर, एल फोर 2 पाई सेंटीमीटर। अभी L1, L2, L3 और L4 AP में है या नहीं, क्योंकि आप देखें कि डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस पाई माइनस 0.5 पाई तो वो कितना होगा 0.5 पाई, ये है D1 की वैल्यू। आप D2 निकालेंगे तो वो भी 0.5 ही आएगी, तो 0.5 पाई। तो ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें d की क्या वैल्यू है 0.5 पाई, l1 की क्या वैल्यू है 0.5 पाई, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है हमें 13। सिंपल हमें क्या करना है s 13 की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी n by 2 यानी 13 by 2 to a, a यानी l1 की क्या वैल्यू है 2 into 5 और 2 into 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 यानी n माइनस 1 और d की क्या वैल्यू 0.5 पाई। तो s 13 की क्या वैल्यू आई 13 by 2 2 into 0.5 यानी 1 तो 1 into पाई पाई 12 13 माइनस 1 12 12 into 0.5 यानी कि 12 into 1 by 2 तो कितना होगा 6 पाई, तो पाई प्लस 6 पाई 13 बाई 2 इंटू 7 पाई। अब पाई की क्या वैल्यू दी हुई है 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू 22 बाई 7, 7 से 7 कट, 2 से 22 कट, 11 पर, तो S13 क्या है 13 इंटू 11 और वो कितना है 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ होगी स्पाइरल की अगर ये 13 सेमी सर्कल से बना हो तो वो होगी 143 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। एक्सरसाइज 5.3 का 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में क्या है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 नेक्स्ट टू इट एंड 18 नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर 200 लॉग्स टू बी प्लेस, हाउ मेनी रोज, इसका मतलब कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है, कि एन की वैल्यू निकालनी है यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो यानी जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग हैं, यानी कि हमें ए एन जनरल टर्म की, यानी कि हमें ए एन जनरल टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक स्टैक्ड है, स्टैक है जिसमें 200 लॉग्स प्लेस हैं, तो मान लीजिए 19 इसमें है 18 इसमें है, सबसे पहले में है 20, फिर नेक्स्ट में है 19, फिर है 18 और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर 200 लॉग्स टू बी प्लेस, तो सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी है।
तो ए वन की क्या वैल्यू है 20, ए टू की 19, तो यहां से डी की क्या वैल्यू है 19 माइनस 20 यानी माइनस 1, और एन की हमें वैल्यू निकालनी है। ऐसे हमें क्या दिया हुआ है 200। Sn का फार्मूला क्या होगा, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d क्या है 200। n बाय 2 2a की क्या वैल्यू है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और माइनस 1 है d की वैल्यू, तो ये क्या है 200। तो ये 2 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n अंदर क्या रहेगा 2 इंटू 4 20 40, और माइनस 1 इंटू n तो क्या आया n माइनस के, और माइनस माइनस 1 माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो आएगा प्लस के बाद, इक्वल टू क्या आएगा 400, 200 इंटू 2 400, तो इसको ओपन करेंगे हम ब्रैकेट को, तो यह आया 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 400। 40n और प्लस के एन तो 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400, यानी 41n माइनस एन स्क्वायर और माइनस 400 इक्वल टू 0, तो यहां से लेंगे माइनस कॉमन, तो अंदर रह गया माइनस के 41n प्लस के n स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इसकी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए कि जिनको माइनस करके, यानी दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करके तो आना चाहिए 5 के 41, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 400। तो इसका मतलब है जब प्लस के 400 है तो दोनों नंबर होंगे माइनस के, कि जिनको माइनस माइनस करके तो आना चाहिए 41 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 400। तो आप निकालेंगे तो वो दो नंबर आएंगे माइनस के 25 और माइनस के 16, दोनों को ऐड करें यानी माइनस 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 25 माइनस 16 माइनस के 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को आएगा 400। इन दोनों में से क्या कॉमन, n तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n की क्या वैल्यू आई 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n की क्या वैल्यू आई 16 और n की एक वैल्यू आई 16। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों ही वैल्यू एप्लीकेबल हैं या इनमें से कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है, तो हम इससे पहले निकालेंगे an। an का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। अब हमने मान लिया पहले n इक्वल टू 25, यानी n इक्वल टू 25 के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, तो a की क्या वैल्यू है 20 प्लस 25 माइनस 1 और माइनस 1, तो n की क्या वैल्यू आई 20 माइनस 24, 25 माइनस 1 24 और 24 इंटू माइनस 1 माइनस के 24, तो n की क्या वैल्यू आई माइनस 4, जो कि हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि आपको स्टैक में वैल्यू प्लेस करनी है और माइनस की वैल्यू आप कैसे प्लेस कर सकते हैं कि जो वो क्या है लॉग्स है क्या उनकी वैल्यू माइनस में है कि वो माइनस की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो n इक्वल टू 25 तो वैल्यू एप्लीकेबल नहीं। अब n इक्वल टू 16 मानेंगे तो क्या होगा, an इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 और माइनस 1, 16 माइनस 1 15 और 15 इंटू माइनस 1 माइनस के 15, तो an की क्या वैल्यू है 20 माइनस 15 5, तो ये वैल्यू
हम कंसीडर करेंगे। तो टॉप रो में कितने लॉग प्लेस करे जा सकते हैं, हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो, और एन की क्या वैल्यू आएगी 16। ये दोनों ही आंसर है। और पहले वाले का क्या आंसर, हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर 200 लॉग्स टू बी प्लेस, देयर आर 16 रोज फॉर 200 लॉग्स टू बी प्लेस। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, 20th को। एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम दिस, कि पहला पोटैटो है 5 मीटर और बाकी के उसके 3 मीटर दूर है उससे। देयर आर 10 पोटैटोज इन द प्लेन एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्यूटर। अब ये सिर्फ शॉर्ट में ही लिख दिया है मैंने कि, और हालांकि इसमें काफी लंबी राम कहानी है जो आप एक जो इसमें फिगर दी हुई है उससे आप समझ सकते हैं कि ये है प्लेन। तो यहां पर ये बाल्टी रखी हुई है कि ये बाल्टी है, तो पहला है ये रख पोटैटो 5 मीटर, दूसरा 3 मीटर, इन दोनों के बीच का है ये 3 मीटर, फिर थर्ड यहां, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और टेन, इन सब के बीच में क्या है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। तो ये पोटैटो यानी कि आलू यहां से उठाने हैं और इस बाल्टी में रखने हैं। तो पहले हो जाएगी पहला पोटैटो लेने, तो आप समझिए कि यहां से 5 मीटर गई और वापस आई, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ 5 गई 5 आई तो 10, इसी तरह यानी वो जाएगी भी और आएगी भी, तो इसका जो सम आएगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कि जो आप आंसर निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वो जा भी रही है और आ भी रही है। तो A1 की क्या वैल्यू है 5 मीटर और A2 की क्या वैल्यू है 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम दिस, कि 5 तो है ही वो यहां से बाल्टी से और 3 मीटर और है, तो A2 की क्या वैल्यू है 8 मीटर, तो यहां से आप D की वैल्यू निकालेंगे और वो क्या आएगी 3 मीटर, कि यहां तक तो पहला वाला 5 मीटर है उसके बाद है 3 मीटर, तो जो ये बकेट है इससे दूरी कितनी हुई सेकेंड वाले पोटैटो की 8 मीटर, तो 8 मीटर गई और 8 मीटर आई, और एन की क्या वैल्यू है 10, क्योंकि 10 पोटैटो इन द प्ले, तो हमें क्या निकालना है S10 की वैल्यू, S10 की क्या होगी N/2, N/2 यानी 10/2, 2A, A की क्या वैल्यू है 5 यानी 2 × 5 प्लस N-1 यानी 10-1 और D की क्या वैल्यू है 3, तो 2×5 = 10 और 2 × 5 = 10, 9, 10-1 9, 9 × 3 = 27, तो S10 की क्या वैल्यू है 5 × 37 यानी 185 मीटर। अब 185 मीटर गई है और 185 मीटर भी आएगी भी वापस, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्यूटर क्या होगा 2 × 185, तो वो कितना होगा 370 मीटर, क्योंकि 185 गई है तो 185 वापस भी आई। तो यहां पर ये एक्सरसाइज 5.3 फिनिश हो जाती है। अब करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है और उसमें 5 क्वेश्चन है, वो हम उनको भी कर लेते हैं।